मित्रों, कामयाबी किसे नहीं अच्छी लगती। जीवन में हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई कामयाबी का स्वाद भी चखना चाहता है, लेकिन कामयाबी का स्वाद वही व्यक्ति चख पाता है जो कठिन समय में भी धैर्य, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता है। आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी कठिनाई का सामना ना किया हो, लेकिन ऐसे समय में जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर मेहनत करना छोड़ देता है, वो हमेशा असफलता का ही स्वाद चखता है। यदि आप भी जीवन के किसी कठिन समय में निराश होकर अपनी हिम्मत हारने लगे, तो याद रखें स्वामी विवेकानंद जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचार से कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको आपकी सफलता की मंजिल तय करने में आसान कर देंगे। मित्रों, स्वामी जी ने कहा, उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखें। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसीलिए कभी भी कहते हैं कि खुद को भरा हुआ नहीं मानना चाहिए, हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। इसलिए मित्रों, निरंतर निरंतर अपने कार्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दें। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपको सफलता स्वयं मिल जाएगी। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।